नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पे स्लिप के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये एक पे स्लिप है ग्रुप डी का, और इसमें हम पूरे वीडियो में आपको सब चीज़ एक एक करके बताएंगे, कितना डीए मिल रहा है, कितना एरियर पे है, कितना आपका बेसिक पे है, सब कुछ बताने वाले हैं। और लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 2020 का है दोस्तों, जो ये सबसे लेटेस्ट है। तो जो आने वाले आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो भी ज्वाइनिंग करेंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी रेलिवेंट होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं प्रोविजनल सैलरी फॉर जनवरी 2020 लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, चलिए, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेजिग्नेशन जो है वो ट्रैक मेंटेनर 4 दिया गया है। ठीक है, फिर PC7 लेवल 1 है आपका, लैब 30 है, LHAP है जो वो 20 है, ये छुट्टियाँ होती है। ठीक है, लीव बैलेंस आर प्रोविजनल। बेसिक पे जो है आपका 18,000 है, आपको पता होगा। ड्यूटी लीव डेज जो है 31 दिन के लिए ये काउंट किया गया है। ठीक है, आपका देख सकते हैं कि यहाँ जो ज्वाइनिंग डेट है दोस्तों, ये भी दिया हुआ है। अगर DOA जो है वो है 7/11/2019, यानी कि 7 नवंबर 2019 को, और इनका जो आप देख सकते हैं कि कब रिटायरमेंट होगा वो भी दिया गया है, 30/9/2051। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पे की, तो हो गया। एरियर पे दोस्तों वो 32,400, अगर आप यहाँ देखोगे नेट पे जो है 74,291 रुपये हैं, और अगर ग्रॉस पे की बात की जाए तो 80,860 रुपये हैं। ठीक है, और लेकिन इतना क्यों कैसे हो गया, तो बताता हूँ कि 3 महीने की लगभग सैलरी जो है वो एक बार में मिली है। एरियर पे 32,400 मिला है। एरियर पे क्या होता है, जो बकाया राशि है उसको एरियर पे बोलते हैं। अब डियरनेस अलाउंस जो है, डीए अलाउंस 3,060 रुपये है। एरियर डीए जो है, मतलब कि बकाया डीए है, वो 5,580 है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 1,053 रुपये। एरियर ट्रांसफरेंस अलाउंस है 1,895। एरियर रिस्क अलाउंस है आपका 4,860। जो रिस्क अलाउंस होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटर को मिलता है, आपको ये पहले ही बता दूँ, खासकर ग्रुप डी पोस्ट में। SDA है दोस्तों आपका 1,800 रुपये, और एरियर SDA है 3,240 रुपये। अब चलिए डिडक्शन की बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्ली रिस्क अलाउंस नहीं, ये एडेड है, सॉरी, यहाँ पे आपका डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन जो है ज़्यादा नहीं हुए हैं आपका। CGISC जो है 30 रुपये हुआ है। एरियर जो है बकाया वो 60 हुआ है, 2 महीने का मैंने बताया था। और NPST का जो हुआ है वो 5,897 रुपये हुए हैं। इसी तरह ये डिडक्शन है दोस्तों। ठीक है, और अर्निंग इस ये भी जो है अर्निंग में ही ऐड होती है। आपके ड्रेस अलाउंस जो है 5,000 रुपये मिले हैं। रिस्क अलाउंस 2,700 रुपये मिला हुआ है। और एरियर LA है, RLA है 480 और 860 रुपये। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसको सारा मिला के अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो सारा जो अमाउंट बनता है दोस्तों बिना डिडक्शन के, वो बनता है 80,860 रुपये। ये फर्स्ट पेमेंट है दोस्तों, इसीलिए इतना ज़्यादा है। मैं फिर से बोल दूँ, जैसे कि ड्रेस अलाउंस होता है, साल में एक ही बार मिलता है, बार बार ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि एरियर पे के कारण जो है, हो सकता है 2-3 महीने की सैलरी एक साथ जो है वो थोड़ा आपको बल्क के अमाउंट में देखने को मिले, फिर इसमें ये चीज़ हुआ। फिर अब चलिए ग्रॉस डिडक्शन जो है दोस्तों, वो हुआ है 6,569 रुपये। ठीक है, 6,569 रुपीज़। और नेट पे जो, यानी कि आप उनको इन हैंड जो मिलने वाला है, वो हो रहा है 74,291 रुपये है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, इसमें मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया कि क्या क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। खासकर जो नए रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि आपका जितना भी पे मैट्रिक्स बनेगा दोस्तों, इसी के हिसाब से बनेगा, कुछ इसी हिसाब के आपका पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको भेजा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये साझा किया अपनी खुशी, और बहुत धन्यवाद दे रहे थे उमंग स्टडी को। तो आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं, उमंग स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा देता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।